हेलो नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आंगनवाड़ी भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2022 की बड़ी अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से बड़े स्तर पर वैकेंसीज रखी गई है जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो दोस्तों, भारतीय आंगनवाड़ी भर्ती 2022-23 के लिए आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं। सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, हेल्पर, वर्कर के पदों पर वैकेंसीज है जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के पदों पर वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का कैंडिडेट हो। दोस्तों, सभी स्टेट से अलग-अलग जो है वैकेंसीज रखी गई हैं और दोस्तों स्टेट वाइज ये वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यहां पर कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड किस तरीके से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों, आपको कितना रुपए यहां पर मंथ पे स्केल मिलने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा एंड अगर आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी नई लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं आज की टॉप लेटेस्ट बड़ी भर्ती की अपडेट के बारे में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ जाना है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस भर्ती के लिए डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप जैसे ही नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट एंड वैकेंसीज का जो है टैब देखने को मिलेगा। आप यहाँ से जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, wcd.nic.in आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं यहां पर ओपन कर चुका हूं जिसमें दोस्तों वैकेंसीज रखी गई हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, टीचर, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स के पदों के लिए। ऑल इंडिया की जॉब है फ्रेंड्स, ऑल इंडिया की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों बात कर ले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जानते हैं कि हमारी जो टोटल वैकेंसीज यहां पर रखी गई हैं वो कितने पदों पर ये वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, यहां पर आप चेक कर सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है एंड दोस्तों यहां पर हम बात करें अगर वैकेंसीज की अपडेट के बारे में तो यहां से आप वैकेंसीज की फुल अपडेट ले सकते हैं कि कौन से स्टेट वाइज ये वैकेंसीज हैं। दोस्तों यहां से आप चेक कर सकते हैं और यहां ऑल इंडिया आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2022 स्टेट वाइज वैकेंसीज जो है यहां पर आपको दी गई हैं कि कौन से स्टेट से कितनी वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर आंध्र प्रदेश से 4390 वैकेंसीज हैं, अरुणाचल प्रदेश से 437 वैकेंसीज हैं, आसाम से 2245 वैकेंसीज रखी गई हैं, बिहार से 6829, छत्तीसगढ़ से 2673 पद हैं, दिल्ली से 3983 वैकेंसीज रखी गई हैं, गोवा से 704, गुजरात से 4756 पद रखे गए, हरियाणा से 2435 पद हैं, हिमाचल प्रदेश से 1873 पदों पर वैकेंसीज हैं, झारखंड से 3078 पद रखे गए हैं, कर्नाटक से 4989 पद हैं, केरला से 3278, मध्य प्रदेश से 5647 पद रखे गए हैं, महाराष्ट्र से 7389, मणिपुर से 1173, मेघालय से 1430 और मिजोरम से 537 पद रखे गए, नागालैंड से 930, उड़ीसा से 3784 पद है, पंजाब से 2849 पद है, राजस्थान से 5289 पद रखे गए, सिक्किम से 627 और तमिलनाडु से 5790 पद रखे गए हैं, तेलंगाना से 3546 वैकेंसीज हैं, त्रिपुरा से 1589 पद रखे गए हैं, उत्तर प्रदेश से 8465, उत्तराखंड से 1973 और वेस्ट बंगाल से 6378 पदों पर वैकेंसीज हैं। दोस्तों टोटल वैकेंसी जहां पर 99766 पद रखे गए हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी वर्कर पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पर 8वीं पास, 10वीं पास है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इंटरमीडिएट पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं।
दोस्तों इसी के साथ में अगर आप सुपरवाइजर पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपने जो है 12th पास किया है तो आपके पास में कंप्यूटर कोर्स का होना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 12th पास कर चुका है और उसके पास में कोई भी कंप्यूटर कोर्स है तो वो यहाँ पर आवेदन कर सकता है, या फिर अगर आप बैचलर डिग्री कर चुके हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल रखी गई है, 18 से 40 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस आपको 450 रुपए जमा करवानी होगी जनरल ओबीसी एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल को 350 रुपए और SC/ST को 250 रुपए एप्लीकेशन फीस यहां पर जमा करवानी होगी। किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं तो दोस्तों आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करवा सकते हैं। एंड सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट के आधार पर रहेगा। दोस्तों ये 4 स्टेज रहेंगे जिनके आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर रहने वाला है। एंड दोस्तों इसी वीडियो में आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके भी बताऊंगा। सो आप जो है एग्जाम डेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। एंड अब आप किस तरीके से इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, सो उसके लिए दोस्तों आपको जो है सबसे पहले wcd.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद में आपको जो है नोटिफिकेशन के टैब पर क्लिक करना है। जैसे हम नोटिफिकेशन के टैब पर क्लिक कर दें तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, टीचर, वर्कर और हेल्पर का जो है आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसमें दोस्तों आपको रिक्रूटमेंट अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है एंड अपना पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर करके जो है अपना फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते टाइम पे अपने पास में एक प्रिंट आउट जरूर रख लें। दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडवर्टाइजमेंट और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से सबमिट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर एक जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायकों की भर्ती के लिए एक आवेदन पत्र जारी किया गया है जिसमें आपको बताया है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम पर आपको कौन कौन सी किस किस तरीके से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। सो उसके लिए आपको एक सहायता फाइल जो है यहाँ पर जारी की गई है। साथ ही में दोस्तों नोटिफिकेशन के साथ साथ में आपको ये फाइल भी जो है देखने को मिल जाएगी। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे आप इस ऑफिस नोटिफिकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। रिक्रूटमेंट के टैब पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का टैब खुल करके सामने आ जाएगा। इसमें दोस्तों आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं तो आपको ये जनरल इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड कर लेने हैं एंड रीड करने के बाद में आपको जो है यस के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है आंगनवाड़ी, यहाँ पर आप जिला व परियोजना द्वारा सर्च कर आंगनवाड़ी रिक्तियों को खोजें, आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना जनपद का नाम डालना है, अपना ब्लॉक या परियोजना का नाम डालना है, ग्रामीण है या शहरी है वो सेलेक्ट कर लेना है, अपना वार्ड का नाम यहाँ पर डाल देना है और पद का नाम आप कौन सा पद पर जो है जॉब सर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर डाल करके सर्च करें के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद में दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो है एक पूरा का पूरा डाटा खुल करके सामने आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर जनपद का नाम आगरा डाला है, इसी के साथ में ब्लॉक परियोजना का नाम डाला है, ग्रामीण डाला है, ग्राम सभा डाला है और फिर उसके बाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए जो है मतलब अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी मेरे आसपास की जो वैकेंसी थी वो खुल करके सामने आ चुकी है। आप इसका जो है यहाँ पर अप्लाई का बटन देखने को मिलेगा, आप अप्लाई पर के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर जो है कुछ पंजीकरण के लिए बोला जाएगा तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डाल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। एंड दोस्तों जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद में आपसे यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण के बारे में पूछा जाता है, तो व्यक्तिगत विवरण आपको जो है यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डाल करके दिखा रहा हूँ, व्यक्तिगत विवरण में आपको कुछ इस तरीके से अपनी सारी की सारी डिटेल डाल देनी है। एंड डालने के बाद में दोस्तों आपको जो है यहाँ पर सुरक्षित करे का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड ये कैप्चा कोड आपको साथ में जरूर फिल करना है। उसके बाद सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे एंड दोस्तों यहाँ पर आपको जो है अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, अपना एक पंजीकरण जो है क्रमांक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको जो है आगे के स्टेज को कंप्लीट करना होगा जिसमें दोस्तों शैक्षणिक योग्यता आपसे पूछी जाएगी। तो इसमें दोस्तों अगर आप 5वीं पास है 8वीं पास है, हाई स्कूल, इंटर एंड स्नातक, ये सारी की सारी जो है अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पर डाल दें। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप अपनी क्वालिफिकेशन डालेंगे तो सुरक्षित करें पर क्लिक करें एंड उसके बाद में दोस्तों आपसे जो है यहाँ पर फोटो अपलोड के लिए पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना
फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने। जैसे आप अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फोटो और सिग्नेचर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद संशोधित करें पर क्लिक करें एंड इसके बाद में दोस्तों आपको जो है यहाँ पर घोषणा पत्र में क्लिक करके ये कैप्चा कोड फिल करना है और उसके बाद में दोस्तों फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का जो है एक कॉपी आ जाएगा जिसमें दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस तरीके से भरा गया है या फिर आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों आपको जो है यहाँ पर एक प्रिंटआउट इसका जरूर ले लेना है ताकि भविष्य में आपको जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जब भी आपको जरूरत पड़े तो इसके जो है आपके टाइम पर मिल जाए। सो इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरकर के सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर पाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए अलग से नई वीडियो बता दूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल के माध्यम से किस तरीके से भर सकते हैं। तो उस वीडियो को देख करके आप जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए नीचे मुझे कमेंट कीजिए, साथ ही मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।